हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12th कॉमर्स ओसी लेक्चर। वी आर इन टू चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 4, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट टुडे। स्टार्ट रीडिंग अलॉन्ग विथ मी। Management theories are the set of general rules that guide the managers to manage an organization. Simplified तरीके से management theory के बारे में बताया गया है। What is management theory? So management theory is what? Set of general rules. तो कुछ rules and regulations का एक set बनाया गया है जो गाइड करते हैं मैनेजर्स को टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। सो दिस थियरीज आर एन एग्जांपल, सॉरी एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट एम्प्लॉयज टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस गोल्स एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम। सो थियरीज आर एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन फॉर वॉट? टू असिस्ट एम्प्लॉयज, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। किसकी हेल्प करने के लिए? एम्प्लॉयज की हेल्प करने के लिए। टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस गोल्स एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव मींस टू अचीव द सेम। तो यहां पर इफेक्टिवली हम बिजनेस का गोल रिलेट कर पाए, हम मतलब कौन? एम्प्लॉयज। और इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो पाए किस चीज का? रिसोर्सेस का। यहां पर मींस का मतलब क्या हो गया? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मींस, दैट मींस रिसोर्सेस। तो यहां पर आप मार्क कर दीजिए। टू अचीव द सेम, द सेम का मतलब क्या हो गया? टू अचीव द गोल। गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिव तरीके से, किस तरीके से हम ये रिसोर्सेस को इंप्लीमेंट कर सकें ताकि हम इस गोल को अचीव कर पाए, ये थियोरी इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब एम्प्लॉय को हेल्प करता है, मदद करता है कि रिसोर्सेस का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करके हम बिजनेस के गोल को अचीव कर पाए। Various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches. तो बहुत सारे ऐसे thinkers हो गए जिन्होंने क्या किया, इन theories को introduce किया which are based on different approaches. उनका अलग अलग approach था इसमें। Management thinkers such as Frederick Winslow Taylor, जो Taylor के नाम से मशहूर हैं। Next is Alton Mayo, then Henry Fayol, etc. have introduced the theories which are based on different approaches. तो ये management thinkers के कुछ नाम लिए गए जिन्होंने अपने अपने approaches के base पे कुछ theories को introduce किया। These theories are applicable in all type of organization. जितने भी types of organization आप देखेंगे सब जगह ये theories applicable है, apply कर सकते हैं। With appropriate modification, every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies. तो कुछ innovative techniques और strategies को add करके कोई भी manager या हर manager इन theories का इस्तेमाल कर सकता है, use कर सकता है। It means these old theories are the basis of modern management theories. तो आज की तारीख में भी ये जो ओल्ड थियरीज हैं, जो भी 300 या 400 इयर्स बैक इसको जनरेट किया होगा, बनाया गया होगा, लेकिन आज भी
इसे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, इनोवेशन के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स. देखो किसकी बात किया, पहली बात किया गया ऑर्गेनाइजेशन की, सेकंड वर्कफोर्स, ठीक है ना, एंड थर्ड वन इज सोसाइटी. ये तीनों की क्या बताया यहां पर कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, सच एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रेस, लो मोटिवेशन, एनवायरमेंटल इशू, बिहेवियरल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वर्क लाइफ बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, जो वर्क फोर्स के साथ भी है, और सोसाइटी में भी ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है. थियरीज ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड सॉल्यूशन इन सच इश्यूज टू दी मैनेजमेंट पीपल. और ये थियरी समझने के बाद आपको एक हेल्प मिलता है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में. किसका सॉल्यूशन, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रेस हो गया, लो मोटिवेशन हो गया, है ना, इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैनेजमेंट थियरी इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है. तो सबसे पहले इसमें नाम आ जाता है द ग्रेट थिंकर हेनरी फायोल. हेनरी फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट हम रीड करने जा रहे हैं. तो कौन है हेनरी फायोल, इनका बर्थ 1841 में हुआ और इनकी डेथ 1925 में हो गई. सो हेनरी फायोल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. ध्यान दीजिएगा, कौन थे ये, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर. जो बाद में आगे चल करके क्या बने, थे तो वो इंजीनियर लेकिन वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल मैनेजर भी बने. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर. उन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो माइनिंग इंजीनियर के तौर पे स्टार्ट किया इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ द सिविल मैनेजिंग डायरेक्टर. देखो स्टार्ट किया एज अ माइनिंग इंजीनियर और कहां तक पहुंचे, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक, सीएमडी. After conducting many experiments and observation in organization, Fayol proposed 14 principles of management. तो इन्होंने क्या किया, अपने organization के जहां, अपने organization में जहां पर वो पहले क्या थे, पहले mining engineer थे, तो वहां पर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कुछ experiment किए और उसको observe किया, और इसको observe करने के बाद कुछ 14 principles बनाए गए. क्या बनाए गए, 14 principles which are explained in his famous book General and Industrial Administration. So इनका book famous हुआ जिसमें इन्होंने ये 14 principles को लिखा हुआ. क्या नाम था book का, General and Industrial Administration. Due to his contribution in development of the managerial thought, he is called as father of modern management. देखिए इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जो 14 प्रिंसिपल दुनिया को दिया, इसी की वजह से आज इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. फायोल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दीज स्टेटमेंट सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शन. तो आज की तारीख में भी डिसीजन लेने के लिए, मैनेजरियल एक्शन के लिए इन 14 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये 14 प्रिंसिपल हमारे सामने है. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन वी हैव डिसिप्लिन. देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सबऑर्डिनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. Principle of remuneration, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, and at the end, last one, esprit de corps, which means
टीम वर्क। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग पॉइंट नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फिनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया उसके अंदर डिविजन ऑफ वर्क की बात की। किसकी बात की? डिविजन ऑफ वर्क मतलब कोई एक पर्टिकुलर टास्क है ना, कोई आपका गोल अचीव करना है तो सबसे पहले आप क्या कर दो, वर्क को डिवाइड कर दो, वर्क विल बिकम मोर इजियर। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क क्या है। इसमें कुछ टेक्निकल वर्क हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, सिक्योरिटी इन ऑपरेशन हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है और मैनेजरियल। तो आपको ध्यान में आता होगा एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाने की बात करें। किसकी बात करें? डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट। तो अगर आप ऐसा डिपार्टमेंट बना देते हो तो वर्क डिवाइड हो जाएगा और लोग फिर अपने अपने वर्क पर फोकस कर पाए। इट इज असाइंड टू एम्प्लॉइज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। क्या बता दिया? आपको एम्प्लॉयज को जब आप सिलेक्ट करते हो, रिक्रूट करते हो, तभी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंगली आपको उसको उस डिपार्टमेंट में रखना पड़ेगा कि ये टेक्निकल में अच्छा है या ये अकाउंटिंग में अच्छा है या इसका मैनेजरियल पावर अच्छा है, क्या अच्छा है उसके हिसाब से आप उसका डिपार्टमेंट फिक्स करके दोगे। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। जिसकी वजह से क्या होगा, लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे। क्यों? आपने काम डिवाइड कर दिया ना। जैसे देखो बैंक में है, बैंक में आप देखेंगे कैशियर कैशियर का काम करेगा। आप कैशियर को जाकर के बोलेंगे भाई मेरा पासबुक अपडेट कर दो, वो करेगा? बोलेगा नहीं सर, आप वो पासबुक वाले काउंटर पे जाओ। आया ना? क्यों? वर्क डिवाइड किया है, सबका अपना अपना काम है और आप वो काम रिपीटेटिवली करते जाते हो, इसकी वजह से क्या आ जाता है, एक्सपर्ट नॉलेज, स्पेशलाइजेशन। आप देखेंगे इससे थोड़ा हटके मैं एग्जाम्पल देता हूं। एंशियंट टाइम में 1000-2000 ईयर्स बैक आप देखेंगे हमारे यहां पर इसको वर्ण व्यवस्था के नाम पर दिखाया गया था। किस पर? वर्ण व्यवस्था, है ना, डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज का डिपार्टमेंट तो ये किसको दे दिया था? ब्राह्मिन्स। इसके बाद डिफेंस, जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है वो किसको दे दिया? क्षत्रिय। क्षत्रियाज, ठीक है ना। नेक्स्ट बिजनेस, व्यापार का जो डिपार्टमेंट था ये किसको दे दिया? वैश्य। जो वैश्य होते हैं, व्यापारी जिनको हम कहते हैं, मर्चेंट जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट, सबको सर्विस प्रोवाइड करने का, शूद्र। तो पहले एक ऐसी वर्ण व्यवस्था होती थी क्योंकि पहले इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी, इतने सारे कॉलेजेस नहीं होते थे, इतने सारे स्कूल्स नहीं होते थे कि सबको हम लोग क्या कर सके, टीचिंग दे सके। हायर लेवल का बेसिक लेवल की टीचिंग सब लोग लेते थे टिल फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड लाइक। लेकिन जिसको आगे पढ़ाई करनी है ना, तो वो किसको दिया जाता था? ब्राह्मीण। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी हम किसके बेसिस पे देते हैं? हम इंटेलिजेंस के बेसिस पे देते हैं। आपकी जैसी कैपेसिटी उतना आगे तक आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो नॉलेज का डिपार्टमेंट किसके पास था?
ब्राह्मिन्स के पास। कौन से नॉलेज की बात करें? शास्त्र के नॉलेज की बात करें, ठीक है ना। दूसरा डिफेंस, तो हमने डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया कि कुछ लोगों को क्या करना है, सिर्फ डिफेंस में रखना है कि कहीं से कोई आक्रमण होगा तो उनसे इन सब की रक्षा करें, तो एक डिपार्टमेंट बना दिया किसका, क्षत्रिय का। और बाद में बिजनेस के लिए किसको बना दिया, वैश्य मर्चेंट्स को, है ना। तो उनको बोल दिया गया कि आपके जितने भी हायरार्की होगी, आपके बाद जितने भी आपके वंशज आएंगे सब कौन सा काम करेंगे, बिजनेस का काम करेंगे। तो क्या होगा, बचपन से ही वो व्यक्ति क्या होता जाता है, बिजनेस में निपुण होता जाता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, हमारे बहुत सारे गुजराती मारवाड़ी ब्रदर्स एंड सिस्टर यहाँ पर होंगे, उनको मालूम है ना, कि उनका जो पर्टिकुलर क्लैन होता है, क्लैन का मतलब जो आपकी जाति है, वो बिजनेस के ऊपर कितना फोकस करती है। चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स इटसेल्फ बच्चे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस में बुलाना चालू कर देते हैं, है कि नहीं। तो जब तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है ना, तब तक वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन चुका होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लर्निंग बचपन से ही दी जाती थी। और उसके बाद आ जाता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर किसके हाथ में था, शूद्र। तो शूद्र क्या करते थे, ये तीनों डिपार्टमेंट वालों को सर्विस प्रोवाइड करते थे। क्या प्रोवाइड करते थे, सर्विस, सेवाएं देते थे, जो भी सेवाएं उनको चाहिए अकॉर्डिंगली। तो देखो ये मैच करता है कितना, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क है ना, इसको हमारे एंशियंट टाइम से ही लागू किया गया था। आज की तारीख में ये चीजें अलग हैं, फैसिलिटीज बढ़ गई, सभी लोगों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सभी लोगों को हम स्पेशलाइजेशन तक लेकर के जा सकते हैं, तो लोग अपना करियर उस तरीके से डिसाइड करते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था, इसके लिए कंफ्यूजन ना हो तो ये क्लैन बना दिया गया, ये जातियां बना दी गई, ये डिपार्टमेंट बना दिए गए कि ब्राह्मण ब्राह्मिन्स का काम करें, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करें, वैश्य वैश्य का काम कर दें, शूद्र शूद्र का काम करें। देखो आज की तारीख में कैसा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे हैं ना ग्रेजुएशन तक नहीं समझ पाते कि उनको कौन सा करियर सिलेक्ट करना है, बनना क्या है, दे डोंट नो। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं काम करते करते फिर उनको लगता है कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर टास्क अच्छा रहेगा। बट पहले ऐसा था कि आज से 1500-2000 साल पहले कोई कंफ्यूजन नहीं, बच्चे को मालूम है कि मेरे जो पिताजी हैं अगर वो मूर्तिकार हैं तो मुझे भी उनके साथ मूर्ति बनाना सीखना है, अगर मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं तो मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, अगर मेरे पेरेंट्स डिफेंस में हैं तो मुझे भी डिफेंस में जाना है, और अगर मेरे पेरेंट्स ब्राह्मिन्स हैं नॉलेज का वर्क करते हैं तो मुझे भी अभी से लर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर ना कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, वहां पर कोई करियर गाइडेंस का सेमिनार नहीं होता था, वहां पर कोई करियर काउंसलिंग नहीं होता था, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स। तो बचपन से ही लोगों में क्या आना चालू हो जाता था, स्पेशलाइजेशन, है कि नहीं। तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि डिविजन ऑफ वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वर्क को टेक्निकल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। एक ही व्यक्ति अगर सब काम करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। क्या बोलेंगे, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया और आपको आपका ही काम करना है, इससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन। थोड़ा बहुत नॉलेज सब चीजों का रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मास्टर ऑफ वन जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ वन जैक ऑफ ऑल। ये बात समझ में आई क्या? तो जब हम डिविजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन स्पेशलाइजेशन। किसकी बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो हमने कई बार देखा है, आप लोग YouTube पे भी देखते होंगे, जैसे किसी किसी एम्प्लॉय का स्पेशलाइजेशन इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत ही कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाता है ना। आपने आप कभी YouTube पे सर्च करके देखो गॉड लेवल एम्प्लॉयज, तो आपको मालूम पड़ेगा उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज दिखाई देंगे
जिनकी इफेक्टिव वर्क पैटर्न है ना आपको अमेज कर देगी, जबरदस्त काम करने का तरीका। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने एक ही काम को बार 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 रिपीट किया, और यही यहां पर मकसद है डिवीजन ऑफ वर्क का। आप वर्क को डिवाइड कर दीजिए, हर एक व्यक्ति में क्या आ जाएगा? स्पेशलाइजेशन। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई की दो चीजें बढ़ा देता है, फर्स्ट वन एफिशिएंसी, सेकेंड वन एक्सपर्टाइज, विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपने प्रोडक्टिविटी लेवल सेट किया था, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो आपने गोल सेट किया था, वो गोल अचीव हो जाता है। पॉइंट नंबर टू, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? एक हिसाब से अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। पावर एंड ड्यूटी, ड्यूटी की बात करें, कर्तव्य, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड बाय हैंड। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपका ऑफलाइन क्लास चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, कॉलेज में लेक्चर चल रहे हैं, अचानक टीचर को मैसेज मिलता है कि उनको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया। अब जो आपके क्लास टीचर हैं, उन्होंने क्या किया, एक मॉनिटर को अपॉइंट किया क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि मेरे एब्सेंस में यहां पर बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मस्ती नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लड़का लड़की मस्ती करते हैं तो उसका नाम आपको क्या करना है, बोर्ड पे लिख देना है, मैं आकर के उसको देख लूंगी। तो ड्यूटी क्या दिया गया, ड्यूटी दिया गया कि क्लास शांत होनी चाहिए, सब लोग पढ़ते हुए दिखने चाहिए, मस्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पावर क्या दिया गया, पावर दिया गया कि आप उनका नाम क्या कर दो, बोर्ड पे लिख दो। होता था कि नहीं होता था ऐसा स्कूल में? अब होता क्या है, जो एकदम डिसेंट बच्चा है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है, तो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ से कि हाँ मैं ये काम बहुत अच्छे से करता हूं, है ना, कोई भी जरा भी बात कर रहा है उसने नाम लिख दिया, जरा भी बात कर रहा है उसने नाम लिख दिया। ऐसा नाम लिखते लिखते बोर्ड के ऊपर 100 नेम्स आ गए। फिर एक बच्चा कहीं से उठता है, तुरंत दौड़ के आता है और उसने डस्टर उठाया, पूरा बोर्ड साफ कर दिया, बोलेगा ले बता नाम, कितने सारे नाम थे, सब तो मिटा दिया, अभी बता। क्या लगता है ऐसे क्लास शांत रहेगी? तो इस बात से पता चलता है कि टीचर ने उस पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ड्यूटी दिया, बट उस लेवल का पावर नहीं दिया। पावर में सिर्फ बोला कि आप बोर्ड पे लिखो, मैं आके देखूंगी। तो यहां पर इस रीजन की वजह से क्लास शांत होती नहीं है। सीन सेकंड सीन में क्या हो रहा है, वही टीचर उस रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है और उसके हाथ में दे देता है एक स्टिक, बोलता है जो भी मस्ती करेगा ना एक लगा देना, हाँ बीट हिम, बराबर मजा चखाओ, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, मुझको क्लास शांत चाहिए। अब उसने क्या कर दिया, पावर दे दिया कि जो भी मस्ती करेगा उसको बजाना है बराबर, है ना। ड्यूटी क्या है, क्लास शांत होनी चाहिए। पावर क्या है, स्टिक दे दिया, स्टिक से मारेगा। अब क्या हो रहा है, अब पूरी क्लास शांत है, सबको मालूम है कि ये क्या है, ये मारता है कि नहीं। लेकिन अब ये जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर रहा है कि उसका जो पर्सनल टसन है ना किसी के साथ में, कोई स्टूडेंट उसको पसंद नहीं है, बोलेगा अभी मेरे पास पावर आ गई ना, अब मैं इसको बताता हूं। अब वो मस्ती नहीं भी कर रहा है ना तो भी जाके उसको बजा रहा है। क्यों बजा रहा है, आई एम क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हु आई एम क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मेरी मर्जी, किसको कंप्लेन करेगा जाकर, मैं तो बोल दूंगा तू मस्ती कर रहा था मैंने मारा, है कि नहीं। इस केस में हमको क्या दिखाई देता है, ड्यूटी जो दी गई थी वो कम थी, बट जो सामने पावर दे दिया गया वो बहुत ज्यादा था। तो इस पावर का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये दोनों स्टोरी से क्या समझ में आता है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन
ड्यूटीज एंड पावर, बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड पावर. तो आपको जो कर्तव्य दिया गया है, आपको जो ड्यूटी दी गई है, साथ ही साथ उतना पावर भी देना चाहिए, बट दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, न पावर ज्यादा हो न ड्यूटी ज्यादा हो. गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर हम लोग अब रीड कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है, डिसीजन लेने का अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार, ये एक पावर है. इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन एप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट. तो आपके जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, दो चार एम्प्लॉय जो आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, उनसे काम करा के लेना है ना. आप मैनेजर हो और मैनेजर के अंदर तो बहुत लोग काम करते हैं, तो सबॉर्डिनेट से काम करा कर लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए. अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने कभी स्पाइडरमैन देखा होगा, तो स्पाइडरमैन, ओल्ड स्पाइडरमैन का एक डायलॉग हुआ करता था, एवरी पावर कम्स विथ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी पावर कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है ना? तो यहां पर यही बात किया गया है. क्या बात किया गया है, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मतलब पावर. पावर जब भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको कुछ ड्यूटी भी दी जाएगी कंप्लीट करने के लिए. इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन टाइम गिवन. है ना? तो अगर किसी मैनेजर को कोई टास्क दिया जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए पावर दी गई है, और अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो अकाउंटेबल कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो मैनेजर होगा, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम करा के लेने की. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है तो उसका मैक्सिमम जो श्रेय होता है वो किसको मिलता है, कैप्टन को, है कि नहीं. तो अगर टीम हारती भी है तो भी किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कैप्टन को ही बोलेंगे ना, भाई वर्ल्ड कप जीतेगा तो धोनी, धोनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. लेकिन अगर हारती है तो भी धोनी को ही सुनाना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारी कैप्टनसी में ये काम बराबर हुआ नहीं है. तो एवरी पावर कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गोल. तो मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, ताकि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सके, सही समय पर सही डिसीजन ले सके. यस और नो? पॉइंट नंबर 3 इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. देखो कितनी अच्छी बात बता दी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है बिहेव अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन. देखो घर में भी किसी किसी के फैमिली में रूल होता है कि नहीं, 6 o'clock को सभी लोग उठ जाएंगे, उसके बाद कोई सोएगा नहीं, ऐसे रूल्स होने चाहिए. लेट नाइट तक कोई मोबाइल देखेगा नहीं, 10:30 या 11 o'clock के बाद सबके गैजेट्स बंद हो जाने चाहिए. जब हम खाना खाने बैठे हैं तो कोई मोबाइल पे बात नहीं करेगा, है कि नहीं. तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो शिष्टाचार के तौर पे हमें फॉलो करने पड़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फायल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट असेंशियल थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ही सबसे असेंशियल चीज है. एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, गवर्न करते हैं, उसको एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि डिसिप्लिन होता है तो उसकी मदद से हम गोल को अचीव कर सकते हैं.
गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. और गुड डिसिप्लिन कब आएगा? जब आपका लीडरशिप इफेक्टिव होगा. क्योंकि डिसिप्लिन कौन ला सकता है? एक अच्छा लीडर ही डिसिप्लिन ला सकता है. देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन्स रूल. तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल क्या है ये मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए और वर्कर को भी पता होना चाहिए. कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट बोलेगा कि आप रूल मानते नहीं हो और वर्कर बोलेगा कि हमको तो पता ही नहीं है ऐसा भी रूल है. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. रूल्स क्या है उसकी क्लैरिटी वर्कर्स तक पहुंच पाए मैनेजमेंट को ऐसा इंतजाम करना चाहिए. बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो जो बेसिक डिसिप्लिन होता है ना वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए. जैसे लंच टाइम हो गया, हाफ एन आवर का लंच टाइम है और आप ले लगा रहे हो 45 मिनट्स, वन आवर वन एंड हाफ आवर, चलेगा क्या? नहीं. कभी कभी देखिए ऐसा बहुत सारा फेसबुक या ट्विटर के ऊपर आता है, SBI बैंक के कर्मचारी के ऊपर. मैं किसी के निगेटिव पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट कई बार आता है कि जो SBI बैंक के कर्मचारी रहते हैं वो टाइम पे काम नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं. आप जाओगे तो लंबी लंबी लाइनें लगी रहेंगी, वो कंप्यूटर पे गेम खेलते रहते हैं और लंच करने का टाइम आ जाएगा तो उनका टिफिन 10 मिनट पहले ओपन हो जाएगा और हाफ एन आवर की जगह वो 45 मिनट्स ले लेंगे, 1 आवर ले लेंगे. कई बार ऐसा था, अभी धीरे धीरे स्ट्रीम लाइन पर आ रहा है. लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाता नहीं है. आई रिमेंबर इन द ईयर 2009 जब मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था, ठीक है ना, मेरा ग्रेजुएशन 2009 में हुआ और फिर मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. अब वहां पर हमारा जो था पोस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजर का था. मतलब हम क्या करते थे, हम अपने क्लाइंट्स को विजिट करके उनका पोर्टफोलियो बना करके देते थे और उनको ये बताते थे कि आपको कितने अमाउंट के इंश्योरेंस की जरूरत है और पॉलिसी रिकमेंड करना, ये हमारा काम होता था. तो हमको एक टारगेट दिया जाता था कि इन अ मंथ यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 12 पॉलिसीज. मतलब आपको क्या करना है, पूरे महीने में कम से कम 12 पॉलिसीज आपको जनरेट करनी है, 12 पॉलिसीज लेकर के आनी है, ये हमारा काम था. अब मेरा एक सीनियर, क्योंकि मैं नया नया था तो मेरे बहुत सारे सीनियर वहां पर थे जो 1.5-2 साल से काम कर रहे थे. अब वहां पर रिपोर्टिंग टाइम होता था 9 o'clock, ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम के बाद लोगों को फील्ड पे जाना पड़ता था आफ्टर हाफ एन आवर, 9:30 और 10 o'clock जैसे मीटिंग हो जाएगा. और इसके बाद बीच में ब्रेक टाइम समझ लीजिए 1:30 का, वो अपने अपने हिसाब से आप ले लो 1:30 to 2 o'clock, और फिर आपका वर्क स्टार्ट हो जाता था 2:00 टिल द एंड, जब तक मतलब आप करते रहो. कंपल्सरीली 8 बजे तक तो था ही, बट जब तक आपका वर्क फिनिश नहीं हुआ तब तक आपको करना है और रिपोर्ट करना है. तो वहां पर एक सीनियर ऐसा था जो क्या करता था, 9 बजे की जगह 11 बजे आता था, ठीक है ना. और बहुत बार फोन करने पर या किसी दूसरे व्यक्ति से पता चलता था कि आफ्टरनून के टाइम पे ना वो घर चला जाता है, लंच वो घर पे करता है, 1-2 घंटे आराम से करता है, फिर वो क्या काम करता है उसका कुछ मालूम नहीं पड़ता था. बट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब पूरा मंथ फिनिश होने के बाद उसका कम से कम 15-20 पॉलिसीज आ जाता था. कितना? 15-20 पॉलिसीज. और ये एक हिसाब से कैसा है ना, अबव एवरेज. मतलब जहां तक कोई कोई 7 तक रीच कर पाता था, किसी ने 5 ही किया होता था, कोई कोई 9 तक रीच कर पाता था, किसी किसी का 20-25 भी होता था, बट बहुत रेयर. और ये कैसा है, ऑलवेज अबव एवरेज. और जब बॉस उससे बात करता था ना तो बॉस को क्या बताता था, सर आपको पॉलिसी से मतलब है ना, क्यों मेरे पीछे पड़ते हो, कितने बजे आता है, क्या करता है, घर पे क्यों जाता है, क्लाइंट से मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है ना. तो ये सब बात छोड़ो ना, आपको किससे मतलब है, आपको महीने का 12 पॉलिसी चाहिए तो वो 12 पॉलिसी मिला के दे रहा हूं, दैट्स इट. तो ये जो तरीके का उसका लैंग्वेज था, क्या लगता है ये डिसिप्लिन था? आंसर इज नो. तो ऐसा बोलने पर
बॉस ने दो तीन बार तो ऐसा सुन करके ले लिया, बाद में एक समय ऐसा आ गया कि जब वो रीजन पूछता है कि आप कहां पर थे या आज आप लेट क्यों आए, और उसका आंसर ऐसा आ गया कि सर आपको तो पॉलिसी से मतलब है ना, मेरा पॉलिसी आ जाएगा, आपको कितना चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए ना, ये महीने में आ जाएगा। बॉस ने बोला पॉलिसी बाद में, पहले रूल्स, अगर रूल्स फॉलो नहीं करना है मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूं, नहीं तो रेस्टिगेट कर दूंगा। ये बात समझ में आई? बॉस ने ऐसा क्यों बोला, उसको तो पॉलिसी मिल रही थी, लेकिन आज पॉलिसी मिल रही है और इसके एक की वजह से बाकी जो टीम मेंबर्स है ना वो भी उसके जैसा बिहेव करने लगेंगे, और आफ्टर 3 to 4 मंथ ये पता चला कि वो व्यक्ति क्या करता था, क्लाइंट्स को बात करके पॉलिसी ले लेता था और बोलता था जब पॉलिसी लॉगिन होगा ना आपको 15 दिन का एक पीरियड मिलता है, आप अपना पॉलिसी कैंसिल कर सकते हो, तो आपको नहीं चाहिए रहेगा तो कैंसिल करवा देना। ये बात समझ में आ रहा है? तो उसकी जो पॉलिसी होती थी पूरे साल भर में, सपोज उसने 100 पॉलिसी दी होगी तो उसमें से 25% पॉलिसीज क्या हो जाती थी, कैंसल, क्या हो जाती थी, कैंसल। तो ये बात समझ में आ गई कि वो क्लाइंट्स को कुछ भी बोल के पॉलिसी लाने का काम करता था। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात क्या है, बॉस ने उसको चला के नहीं लिया, बॉस बोला कि सिर्फ पॉलिसी से मतलब नहीं है, मुझे डिसिप्लिन से भी मतलब है, क्योंकि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, जैसा बिहेव आप करोगे वैसे आपकी टीम भी करेगी, और टीम वर्क में डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो हेनरी फॉयल का यहां पर मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिए गए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको उस एम्प्लॉय ने ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए हमारे सामने ना ये कुछ चार्ट बनाए हुए हैं, उससे हमको ये समझ में आएगा। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सही बात है कि नहीं? जितने भी हमारे पास सबॉर्डिनेट हैं सबको ऑर्डर एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, ऑर्डर एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे तो एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स कमांड फ्रॉम वन मोर देन वन अथॉरिटी ही विल गेट कंफ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन। सही बात है ना? अगर आपको एक से ज्यादा व्यक्ति कमांड दे रहे हैं तो आप क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। हुज ऑर्डर शुड बी फॉलोड, आप बोलोगे बात किसकी मानने का, ये ऐसा बोलता है वो वैसा बोलता है। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, मतलब एक से ज्यादा अथॉरिटी होना, एक से ज्यादा बॉस होना क्या है, रॉन्ग अप्रोच है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड। तो इसके लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है, हायरार्की का मतलब क्या होता है, सबसे टॉप पे कौन है, सपोज सबसे टॉप पे सीईओ है, उसके बाद कौन है, उसके बाद मैनेजर्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट के, ठीक है ना, और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 or 10 or 3 employees हैं। ये जो हायरार्की है ये प्रॉपर होनी चाहिए। अभी कहीं पर एक मैनेजर के जगह पे 2 मैनेजर आ गए, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 2 मैनेजर इनको जो भी बात बताएंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अलग बोलता है वो अलग बोलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द बॉस शुड बी वन, बॉस शुड बी वन। तो जो कमांड आएगा वो देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए।
For this organizational hierarchy should be well defined. Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. हर एक employee को पता होना चाहिए कि उसका immediate superior कौन है, है ना? भले boss का boss भी होता होगा. For example, Mr. A is a boss. ठीक है, Mr. A के under में B, C एंड डी वर्क करते हैं. ठीक है, अब मिस्टर डी के अंडर में ई, एफ और जी काम करते हैं. अब जी का इमीडिएट सुपीरियर कौन है? डी. और डी का सुपीरियर कौन है? ए. अब क्या होता है, काम करते करते जी जब काम करता है ना, तो उसको डी भी आके बोल के जाता है और ए भी आके कुछ बोल के जाता है. तो यहां पर डी को डिसाइड करना पड़ता है. कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो ए की बात सुने या वो डी की बात सुने. तो क्या ये कंफ्यूजन होना चाहिए? आंसर इज नो. तो ए को अगर कुछ कम्युनिकेट करना है जी से, तो वो डायरेक्ट ना जाए, वो किससे बात करे? वो डी से बात करे कि भाई ये जी तक कम्युनिकेशन आप पहुंचा दो, इसके हिसाब से काम होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, ये जी जो है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. इसके लिए कहा गया है जो कमांड है वो एक ही बॉस से रिसीव होना चाहिए. देखो कभी कभी ये जो इंडियन मैचेस होते हैं ना, इंडियन टीम के कोचेस, बॉलिंग का कोच अलग, फील्डिंग का कोच अलग, परफॉर्मेंस का कोच अलग, तो कभी कभी क्या होता है, इनके जो अपने ओपिनियंस होते हैं वो क्लैश होते हैं. क्या होते हैं? क्लैश होते हैं. बॉलिंग का कोच कुछ और बोल रहा है और फील्डिंग वाला कोच कुछ और बोल रहा है फिजिकल फिटनेस के लिए. तो ऐसे केस में क्या होगा, वो जो प्लेयर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई काम कैसे करने का. एक कोच बोलता है कि आपका मैच स्टार्ट होने वाला है ना, तो आपको फुल्ली फोकस्ड होना चाहिए, आपको 18 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपका पूरा ध्यान ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए. एक कोच ऐसा एकदम मोटिवेट कर रहा है और दूसरे कोच के पास जा रहे हैं तो दूसरा कोच बोलता है देखो हम लोग को ना फ्री माइंड से खेलना है, तो माइंड पे कोई प्रेशर मत लो. एक काम करो, आप ना थोड़ा क्रिकेट के पहले ना थोड़ा शॉपिंग करके आओ, थोड़ा घूम के आओ. इससे क्या होगा ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और माइंड फ्रेश हो जाएगा ना तो आप अच्छी तरीके से फोकस कर पाओगे. देखो उल्टा ही गेम चल रहा है. एक जो कोच है वो बोलता है पूरा फोकस दो, इधर उधर ध्यान मत दो, और दूसरा बोल रहा है कि शॉपिंग करके आओ, मॉल में घूम के आओ, टीवी देख करके आओ, और फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर आप अच्छे से ध्यान दे पाओगे. तो क्या यहाँ पर ये जो एम्प्लॉई है या जो प्लेयर है वो फोकस हो पाएगा? आंसर इज नो. तो जो कमांड मिलना चाहिए वो एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए. पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब आप ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 4 में क्या बात किया गया था? पॉइंट नंबर 4 में बात किया गया था यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बॉस से कमांड आना चाहिए. और ये क्या बोल रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन लीड हेड एंड वन प्लान. मतलब एक जो ग्रुप होता है, ग्रुप को जो लीड करता है ना, उसके लिए एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव and the group should be directed by one manager using single plan. तो किसी किसी को confusion होगा, सर fourth point के जैसा तो लग रहा है, वहां पर भी बात किया गया था कि एक ही boss से command आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर command की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात कर रहे हैं direction की, आदेश की, दिशा निर्देशन की, कि आपका जो group है वहां पर हम एक employee की बात कर रहे थे. Point number 4 में we were talking about single subordinate. ठीक है ना, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. सो ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर. और पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो एक ही मैनेजर के द्वारा डायरेक्ट किया जाना चाहिए यूजिंग सिंगल प्लान. सबके लिए प्लान भी कैसे हो, सिंगल हो. तो वो ग्रुप के अंदर क्या होती है, यूनिटी आती है. क्या आती है, यूनिटी. ठीक है,
तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि सर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्टर डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सबॉर्डिनेट मस्ट हैव सिंगल बॉस, एक ही बॉस जो क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि जो ग्रुप बनाए गए हैं, ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव, पूरे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। तो यहां पर प्लान भी सिंगल होना चाहिए, मैनेजर भी एक ही होना चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी इतना बड़ा पॉइंट दिया हुआ है, हम इसको चेक करेंगे, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, और पोस्टमार्टम करने के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। पहले आप यहां पर देखिए, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हित किसमें है, किसका किसका बेनिफिट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी तरफ है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसकी बात है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और बात की गई है सबॉर्डिनाइजेशन की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सपोज आप में से या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेटिव में कोई व्यक्ति है जो डिफेंस में जाना चाहता है, इंडियन आर्मी में जाना चाहिए, लक्ष्य देखा ना आपने, लक्ष्य मूवी में कैसा रहता है, जो अपना ऋतिक रोशन है, क्रिश है ना, वो मिलिट्री में जाता है। और ऐसा मिलिट्री में कोई पर्सन गया और वहां पर अचानक मालूम पड़ा कि हमारा क्या होने वाला है, चाइना या पाकिस्तान के साथ में वॉर होने वाला है, और कोई पर्टिकुलर मिलिट्री वाला है, उसके घर से फोन आ गया कि आपकी वाइफ बहुत बीमार है, या आपकी मदर बहुत बीमार है, आपके या डैडी बहुत बीमार है, और आप आ जाओ जल्दी, ठीक है ना। क्या लगता है किसको फॉलो करना चाहिए, उसको घर लौट आना चाहिए या उसको वहां पर डिफेंस में रहना चाहिए, वॉर में जाना चाहिए? तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कितना डायलेमा वाला सिचुएशन है, लेकिन वो तुरंत बिना हिचकिचाए बोलेगा, क्या बोलेगा, नेशन कम फर्स्ट, नेशन कम फर्स्ट, फैमिली तो ठीक है, फैमिली इज सेकंड, उनकी देखभाल कोई और व्यक्ति भी कर देगा, मैं फोन कर दूंगा तो मेरा कोई दूसरा रिलेटिव भी वहां पर पहुंच जाएगा, आस पड़ोस वाले भी हेल्प कर देंगे, लेकिन मेरा देश मेरे लिए पहले है, इसको हम बोलेंगे नेशनल इंटरेस्ट। तो उसने क्या किया, उसने यहां पर सेल्फिश वाला काम नहीं किया, उसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखा, उसने क्या देखा, नेशनल इंटरेस्ट देखा। वैसे ही अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कहां काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहां पर मैनेजर को ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबॉर्डिनेट कर दे, मतलब नीचे कर दे, कम कर दे, और लोगों का फोकस किस पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए, है ना। आपको ऑफिस में कुछ काम दे दिया गया है और आप आए दिन कुछ ना कुछ बहाना बना के क्या करते हो, काम को टालते हो कि मेरा काम कैसे कम हो जाए, बॉस ने कुछ काम दिया, सर आज मेरी सास आने वाली है, उसको पिकअप करने एयरपोर्ट जाना है, सर मेरी साली आई हुई है, उसको मुझको घुमाने लेकर के जाना है, सर घर में कोई बीमार है, उसको मुझको सेवा करना है, होगा पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बट आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देखना है, जहां तक हो सके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो, अगर हो सकता है तो, हो सकता है तो हाँ, लेकिन सबसे पहला इंटरेस्ट कहां पर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस, लेस इंपॉर्टेंस मतलब आपका खुद का स्वार्थ, आपका खुद का इंटरेस्ट लेस इंपॉर्टेंस वाला है देन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने हितों की
आप ज्यादा चिंता मत करो। क्यों भाई ऐसा ऐसा क्यों करें? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो आपकी सैलरी ग्रो करेगी, आपका डेजिग्नेशन ग्रो करेगा, और सैलरी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली फैमिली भी अच्छी होगी कि नहीं होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, गेटिंग इट? तो यहां पर यह बताया गया है, गिव प्रिफरेंस टू योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। आपने ऑर्गेनाइजेशन को 8 घंटे दिए हैं ना, 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, फुल्ली फोकस्ड होकर काम करो। फिर उसमें आप बार बार क्या करोगे, इधर बैंक में बैठा हुआ व्यक्ति एम्प्लॉय काम कर रहा है, सामने लाइन लगी हुई, और बैंक वाला घर पे फोन कर रहा है, गांव में फोन कर रहा है और फोन पे बिजी है, और इधर लाइन की लाइन लगी हुई है, इसको काम कहते हैं क्या? नहीं, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ दो और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे काम करो, क्योंकि जितना फोकस आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो फैमिली वाले खुश रहेंगे। हाँ या ना? While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group. जो पूरा ग्रुप उसके साथ काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट पहले है, ये ध्यान रखना चाहिए, rather than the interest of the single employee. एक व्यक्ति का इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप का इंटरेस्ट होता है। Similarly, the employee should protect the interest of the organization. और इसी तरीके से एक employee ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके हितों की रक्षा करनी चाहिए पहले, एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबॉर्डिनेट, और उसके जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसका इंपॉर्टेंस कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे बात नहीं कर रहे, पर्सनल काम नहीं करना है ऐसा नहीं है, बट वो बाद में, पहले क्या, पहले ऑर्गेनाइजेशन का काम। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रेदर देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। हाँ कि ना? सचिन तेंदुलकर खाली ये दिमाग में लेकर के नहीं जाता कि मैं मैच खेलूंगा ना तो मेरा शतक होना चाहिए, 100 होना चाहिए, सेंचुरी होनी चाहिए, बाकी टीम हारती है जीतती है मुझको क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अगर अभी विराट कोहली जाता है तो उसको देखना है कि हम मैच जीते ये इंपॉर्टेंट है, ना कि स्ट्राइक मुझे बार बार मिले और मैं अपना सेंचुरी कंप्लीट करूं, बाकी इंडिया को हारना है हारे, जीतना है जीतने, मुझे उससे क्या, मेरा सेंचुरी कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऐसा कैप्टन सोचने लगा तो हम मैच जीत पाएंगे क्या? आंसर इज नो। तो यहां पर कोई भी प्लेयर है उसको मैच विनिंग के बारे में सोचना चाहिए एज अ टीम रेदर देन इंडिविजुअल स्कोर और रिकॉर्ड। यस सर। पॉइंट नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि जो सारी अथॉरिटीज हैं वो एक जगह से वर्क करें, ठीक है ना? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है यहां पर? सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटीज है, वो सेंट्रलाइज्ड हो। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स। तो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है ना, तो कुछ लोगों के हाथ में या वन पर्सन के हाथ में ये सब पावर्स होती है। कौन सी पावर? टेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। दिस सिचुएशन अकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन की, तो ये कहाँ फॉलो हो सकता है? जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वहां फॉलो हो सकता है। बट इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर और अथॉरिटी। बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो आप सेंट्रलाइज नहीं रख सकते हर एक चीज ऊपर तक आप पूछने जाओगे। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति आ गया और आपको उसको क्या कराना है, आपको उसको चाय पिलाना है या आप उसको नाश्ता कराना है, तो आप सीईओ को जाओगे पूछने, साहब वो बंदा आया उधर उसको चाय पिला दे क्या? अरे कुछ तो अथॉरिटी आपको डेलीगेट करनी पड़ेगी। तो जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें आपको डिसेंट्रलाइज्ड होके चलना पड़ता है, मतलब कुछ लोगों को अपनी पावर्स डेलीगेट करनी पड़ती है कि सामने वाला भी डिसीजन ले सके। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है। सपोज ऊपर सबसे टॉप पे सीएफओ है, कौन है? चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, उसके नीचे दो और पर्सन है,
मैनेजर वन मैनेजर टू, ठीक है ना, इसके नीचे सपोज और तीन मैनेजर होंगे लोअर लेवल के, ठीक है ना, 3, 4, 5। अब यहां पर क्या होगा, इनको स्लैब बना दिया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ना, इसको अगर डिसीजन लेना है तो वो 0 से लेकर 2 लाख रुपीज तक का डिसीजन ले सकता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कुछ खर्चा करना है, कुछ इवेंट करना है, तो 2 लाख रुपए तक का डिसीजन वो दे सकता है। ये जो व्यक्ति है इसको हम बोलेंगे 2 लाख से 10 लाख रुपीज तक के डिसीजन तुम ले सकते हो, और जो CFO है वो 10 लाख के ऊपर के डिसीजन लेगा। तो ऐसे केस में कभी सपोज कोई काम आ गया 3 लाख रुपीज का, किसी ने बोला भाई 3 लाख रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, तो किसके पास जाने का, इस व्यक्ति के पास जाने का, क्योंकि 2 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख के बीच में ये डिसीजन लेने वाला है। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर एक छोटा सा स्टोर है उसके अंदर आप क्या डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, उसमें एक ही पर्सन सारे काम करता है, तो वहां पर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। तो जनरली जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वहां पर सेंट्रलाइज प्रिंसिपल लागू होता है, और जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल किस बारे में बात कर रहा है, पूरा सेंट्रलाइज करने के या पूरा डिसेंट्रलाइज करने के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मुंबई लेवल पे अगर कोई हेड ऑफिस है ना, तो जो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है, इंटरव्यू होता है ना, वो हेड ऑफिस में होता है, और वो हेड ऑफिस फिर उस व्यक्ति को प्लेस करेगा कि ठीक है आप हमारे लोअर परेल वाले ब्रांच में चले जाओ, या आपको हम दादर वाली ब्रांच में बिठा देंगे, या आपको हम मुलुंड वाली ब्रांच में बिठा देंगे। लेकिन इंटरव्यू तो सेंट्रलाइज होगा, आया ना, तो कुछ पावर्स को सेंट्रलाइज किया जाता है और कुछ पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। दोनों के बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इन द ऑर्गेनाइजेशन दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटी एटसेट्रा। तो ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर और नेचर ऑफ द एक्टिविटी के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। पॉइंट नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। सुना सुना लागे या देखा है पहली बार। तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन गिव्स समथिंग इन रिटर्न फॉर द सर्विस एक्वायर्ड। जो सर्विस वो करा करके ले रही है, जो सेवाएं वो अपने एम्प्लॉयज से ले रही है, उसके बदले में वो जो भी दे रही है, इट कैन बी वेजेस, इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी फीस, इट कैन बी एनी अदर टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन, ऑनरेरियम बोल सकते हैं, है ना। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, इसमें हो सकता है ऑनरेरियम, किसी किसी को ऑनरेरियम मिलता है, सैलरी आप कह लीजिए, कोई होगा जिसे फीस पे किया जाता है, किसी को वेजेस पे किया जाता है। तो किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे सेवाएं ले रही है उसके बदले में जो आपको पे करती है उसे कहा जाता है रेम्यूनरेशन, कंसीडरेशन, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन की। ये रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially। अगर आप एक proper remuneration provide करेंगे ना, तो आपके staff employee क्या रहेंगे, satisfied रहेंगे, as well as retain them for long span of time, और आप ज्यादा समय तक उनको अपने organization में रख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सैलरी कम दे रहे हो तो आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चले जाएंगे जैसे उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में से ही कुछ ना कुछ सामान गायब करना चालू करेंगे, बोलेंगे ऐसे भी ये सैलरी बहुत कम देता है, इससे अच्छा क्या करो मालूम है, जो भी है स्टेशनरी है, पेंसिल है, कंपास बॉक्स है, कैलकुलेटर है, उठा लो, हमारा ही है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन द टोटल। अगर आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी, अगर आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति दिल लगा के काम नहीं करता है। दिल लगाना मतलब काम से दिल लगाना, और कहीं नहीं,
तो व्यक्ति ना पूरे लगन से काम नहीं करेगा, पूरे फोकस जो के काम नहीं करेगा, वैसे भी उसके दिमाग में क्या चलता रहेगा कि मुझे क्या कोई सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, क्या मैं कहीं और जाकर के इंटरव्यू दूं। तो व्यक्ति क्या करेगा, महीने में कहीं ना इंटरव्यू के लिए जाएगा और आपके यहाँ पर क्या करेगा, बोलेगा कि आज तबीयत खराब थी मैं नहीं आ पाया। रियलिटी में कहीं और वो गया है जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए जहां पर उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। द रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्किल। तो रेम्युनरेशन कैसे तय करना चाहिए, उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अंदर स्किल क्या है, एक्सपर्टाइज कैसा है, नॉलेज कैसा है, टेन्योर कितने पीरियड के लिए हम रखने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग उस एरिया का कैसा है ना, वहां पे रहने के लिए खर्चा कितना लगता है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर के हमको उसका सैलरी, वेजेस, ऑनरेरियम, फीस, ये सब फिक्स करना चाहिए। तो रेम्युनरेशन प्रॉपर होना चाहिए और जितने रेम्युनरेशन में आपकी बात की गई है उतना रेम्युनरेशन उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। आप किसी को बोलेंगे 20,000 रुपीज पेमेंट है और जब काम हो जाएगा आप उसको हाथ में 17,000 दे देंगे, 18,000 दे देंगे, तो चलेगा क्या, नहीं अच्छा लगता है, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या होता है यहाँ पर, यहां पर स्केलर चेन का मतलब होता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। देखिए हमारे यहां पर एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना, अभी जैसे क्या है, ये एक हायरार्की दी गई है, इसमें सबसे टॉप पे ये पर्सनालिटी है मिस्टर ए, सपोज ये सीईओ है, कौन है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसके नीचे सपोज डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट ई के मैनेजर हैं, ठीक है ना, फिर उसके अंडर में एक एम्प्लॉई है, उसके अंडर में एक एम्प्लॉई है, तब क्या होता है, ये एक स्केलर चेन से बना हुआ है। मतलब क्या है इसके अंदर, इसमें अगर डी को ए से कम्युनिकेट करना है, डी को ए से कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो पहले अपने सुपीरियर से बात करेगा, सी को बोलेगा सर मुझको ना बड़े सर से कुछ बात करना है, तो सी पहले देखेगा कि इसका जो बात है वो इम्पोर्टेंट है क्या, वहां तक पहुंचाने लायक है क्या, तो वो ये बात किससे करेगा, बी से करेगा, और बी को भी लगेगा कि हाँ ये बात तो पहुंचनी चाहिए, तो बी बाद में किसको बताएगा, ए को बताएगा कि डी आपसे कुछ बात करना चाहता है, तो इस तरीके से ये मैसेज पहुंचेगा, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। अभी डी यहां पर बोल रहा है कि मुझको जी से बात करना है, जो दूसरा डिपार्टमेंट है ना वहां पर एक एम्प्लॉई रहता है जी, मुझको जी से बात करना है। अब जी से बात करना है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो जी है वो दूसरे डिपार्टमेंट का है, सेम डिपार्टमेंट का तो नहीं है, तो उसको कैसे जाना पड़ेगा, डी सी से बात करेगा कि मुझको जी से बात करना है, सी ए बी को बताएगा कि डी को जी से बात करना है, बी ए को बताएगा कि डी को जी से बात करना है, ए फिर ई को बताएगा कि डी को जी से बात करना है, और ई फिर एफ को बताएगा कि डी को जी से बात करना है, और फिर एफ लास्ट में जी को बोलेगा कि भाई तू डी के जाके मिल ले क्योंकि डी को तेरे से कुछ बात करना है। अब ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, तो पहले के जो गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब्स होते थे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते थे, कंपनीज होती थी, वहां पर ऐसा ही चलता था, इसलिए काम में डिले हो जाता था। एक काम करना है ना तो बॉस को पूछो, उसके ऊपर वालों को पूछो, ऊपर वाले से ऑर्डर नहीं आया, यही सब बात होती थी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये स्केलर चेन बनाया क्यों गया, ताकि आप अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट दें और सही चीजें ऊपर तक पहुंचे, सही लेवल में पहुंचे, डिसिप्लिन वे में पहुंचे। लेकिन अगर कोई बात अर्जेंट है, अगर कोई बात अर्जेंट है तो हमको क्या करना चाहिए, इस स्केलर चेन को ब्रेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस स्केलर चेन को ब्रेक करना चाहिए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डी अगर जी से बात करना चाहता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बात करेगा, सुपीरियर को बात करेगा, डी किसको बात करेगा, सी को बात करेगा कि मुझको जी से बात करना है, और सी एफ को बताएगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है, सेम है ना, सी का लेवल और एफ का लेवल सेम है, तो एफ को बताएगा कि मेरा एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉय से कुछ बात करना चाहता है। ये बात समझ में आ गई क्या, तो फिर डी डायरेक्टली जाके किससे बात कर सकता है, जी से बात कर सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे है। ये बात समझ में आई,
यहां पर सेम लेवल वाले जो व्यक्ति हैं वो डायरेक्टली आपस में बात कर सकते हैं, या डी को डायरेक्टली बात करना है, डी बोलता है मैं डायरेक्टली जी के पास जाऊं चलेगा क्या? चलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे। हाँ, अगर यहां पर डी चाहता है कि मैं ई से बात करूं तो पहले उसको किसको बताना पड़ेगा? पहले उसको सी को बताना पड़ेगा, सी बी को बताएगा। अब ये दोनों का लेवल सेम है ना, तो फिर जाके डी इसको बता सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसे कहते हैं गैंग प्लान। गैंग प्लान मतलब ये जो स्केलर चेन था उसको ब्रेक करके डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, और किससे कम्युनिकेट करना? जो आपके सेम लेवल में आता है, मतलब जिसका डेजिग्नेशन सेम है, उसके थ्रू हम डायरेक्टली जा सकते हैं। कळलं का सगळ्यांना? एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज ये जो डी है या ये जो जी है, मिस्टर जी, मिस्टर जी को बात करना है मिस्टर बी से, तो कैसे जाएगा वहां पर? मिस्टर जी विल टॉक टू एफ, एफ विल टॉक टू ई। अब ई के बात करने के बाद जी डायरेक्टली कहां जा सकता है? बी, क्योंकि ये दोनों कौन है? सेम लेवल पे। ए तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं गैंग प्लान। क्या बोलते हैं? गैंग प्लान। यस सर, वैसे ही अगर सी को बात करना है एफ से, तो क्या डायरेक्ट कर सकता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं। स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के लिए ये जो हायरार्की बनाई है टॉप लेवल टू लोअर लेवल की, इसी हायरार्की को बोलते हैं स्केलर चेन। दिस हेल्प्स टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, है ना? बीच में कहीं पर इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए, है ना? एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, इसके लिए स्केलर चेन इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज द फ्रेम लार्ज स्केल चेन। पहले ऐसे लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केलर चेन होते थे पहले, वैसे फॉलो किया जाता था, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, तो बहुत समय लगता था इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अ जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर। जनरल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को बताएगा, फिर फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म इट टू द फॉरमैन, एंड सो अकॉर्डिंगली टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो एक के बाद एक उनको ऐसे इंफॉर्मेशन पास होता था। फॉर अवॉइडिंग दिस लार्जर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन अक्रॉस द कम्युनिकेशन, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लान। तो ये वर्ड ध्यान में रखिए, गैंग प्लान। ये क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इज नेसेसरी। बट यहां पर भी ध्यान देना है कि आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है। जैसा कि मैंने बताया, डी को अगर एफ से बात करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको उसके सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी से पहले बात करना पड़ेगा, पहले उसको सी से बात करना पड़ेगा। डी सी से बात करेगा और उसके बाद ये दोनों का बात कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें सेम डेजिग्नेशन का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने सीखा कि स्केलर चेन जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी जगह पर हम गैंग प्लान का भी यूज कर सकते हैं। इन द अबाउट डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी शुड फॉलो फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की, बट टू अवॉइड डिले इन इमरजेंसी सिचुएशन देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म्ड एज गैंग प्लान। नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब प्रॉपर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए कोई ना कोई जगह होती है, और हर एक वस्तु अपनी जगह पर होनी चाहिए। आई रिमेम्बर मेरे डैडी कहा करते थे कि अपनी वस्तुओं को, अपने चीजों को ऐसी जगह पर रखो ना कि कोई अंधा व्यक्ति हो तो वो भी ढूंढ ले। मतलब उसका प्रॉपर प्लेस पे उसको रखना चाहिए। होता है ना कभी कभी घर में आप चीजों को रख के ऐसे भूल जाते हो, अरे यार यहीं तो रखा था, कहाँ गया, नहीं मिल रहा है।
कभी कभी की मिसप्लेस हो जाता है, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आपके घर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सोचो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक चीज ऐसी आपने कहां रख दी पता ही नहीं चल रहा, पूरा डिपार्टमेंट हैरान है, एक इंपॉर्टेंट पेपर पता नहीं कहां पर रखा हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट में जाकर के पूछ रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट देख डाला, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट देख डाला, परचेस डिपार्टमेंट देख, सब हैरान हो जाएंगे और सारे एम्प्लॉय पागल हो जाएंगे कि भाई ये पेपर गया किधर। लेकिन इस मैशअप को अगर अवॉइड करना है तो उसको सही जगह पे रखो ना, अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में है, सही स्थान पे है, तो उसको ढूंढने में कोई मुश्किल होगी नहीं। जब मैं आर्टिकलशिप में था अंडर अ सीए, तो हमारे बॉस ने हमको सिखाया था कि आजकल मॉडर्नाइजेशन है और फाइल्स को हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मैनुअल फाइल्स होती है जो आपको कहीं ना कहीं रखनी होती है, यस और नो। तो उन्होंने क्या किया था, रैक सिस्टम बनाया था। अभी जैसे मेरे पीछे आपको ये सिस्टम दिखाई दे रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट रैक्स बनाए गए, तो रैक्स को क्या दे दिया गया था, अल्फाबेटिकल नंबर्स दे दिए गए थे, ए बी सी डी ई एफ जी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रैक में कोई फाइल रख रहे हैं ना, तो आपको कंप्यूटर में एंट्री करनी पड़ती थी कि मैं ये पर्टिकुलर फाइल जो है, उस फाइल का नाम लिखिए, ऑथराइज्ड पर्सन विनोद गुप्ता, फाइल का जो भी नाम है, और कौन से रैक में आप रख रहे हैं, उस रैक में भी उसका क्या पोजीशन है, वो उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में आप मेंटेन करके कंप्यूटर में सेव कर दीजिए। बात समझ में आई? तो अगर किसी को वो ढूंढना है ना, तो वो एक्सेल शीट ओपन करता था, उस पर्टिकुलर फाइल का नाम डालता था, और उसको पता चल जाता था कि अच्छा ये वाली जो फाइल है वो एन वाले रैक में रखी हुई है, तो वहां जाकर के वो एन वाला रैक देखता था और उसको फाइल इजीली मिल जाती थी। इस तरीके का प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बताता है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हर एक वस्तु के लिए प्लेस है और हर एक वस्तु अपने सही जगह पर होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस। देखो यहां पर दोनों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस की भी बात कर रहे हैं और मटेरियल की भी बात कर रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा ग्रेजुएट पर्सनालिटी है और आप उसको रख दे रहे हैं प्यून की जॉब पे, तो ये अच्छी बात है क्या? ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो ग्रेजुएट है और आप उसको प्यून बना रहे हैं, तो वो सही जगह पर नहीं है। इसी तरीके से मटेरियल की भी बात करते हैं, राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मटेरियल हो, स्टॉक हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, सही जगह पर सही समय पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूज किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस एट एंड ऑन राइट जॉब। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है सही व्यक्ति को सही काम पे लगाना चाहिए। द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। तो प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस करता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर। और इस प्रिंसिपल को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। पॉइंट नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने जो जूनियर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली है और फेयर है। फेयर है मतलब कोई गलत काम नहीं करता, चीट नहीं करता। व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स एटसेट्रा। तो जब वो कोई वर्क डिवाइड कर रहे हैं तो प्रॉपर सबको डिवाइड करें, ऐसा नहीं किसी को बहुत ज्यादा वर्कलोड दे दिया और किसी को काम ही नहीं है, ऐसा मत करो। किसी को अथॉरिटी आपने बहुत ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी, ऐसा मत करो। फेयर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स, जैसे कई बार होता है ना, मेल एम्प्लॉय है तो ज्यादा सैलरी, और वही काम अगर फीमेल एम्प्लॉय कर रही है तो कम सैलरी, आपने कई बार देखा है। इवन बॉलीवुड में भी कई बार ऐसी खबर उठ के आती है कि मेल एक्टर को ज्यादा पेमेंट मिलता है और फीमेल एक्टर को कम पेमेंट मिलता है, हाँ या ना? जबकि सब अपने अपने वर्क में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैंने तो इस हद तक देखा है, जो नॉर्मल आप देखोगे ना, जहां पर जो लेबर वर्क करते हैं, कई बार आपने देखा हो ना वायरिंग का काम होता है रोड पर, तो रोड पर डिगिंग के लिए, खड्डा करने के लिए और मिट्टी को फेंकने के लिए कुछ लेबर्स को रखा जाता है, तो उसमें अगर मेल लेबर रहेगा ना
तो उसको ना पेमेंट ज्यादा मिलेगा, मतलब लगभग 200 रुपीज मिलेगा, और जो फीमेल वर्कर रहेगी तो उसको 150 रुपीज ही देते हैं। अब किस हिसाब से देते हैं, कौन से माइंडसेट से देते हैं, दैट आई डोंट नो, बट क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, दोनों का वहां पर इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों उतना ही काम कर रहे हैं, उतने आवर्स काम कर रहे हैं, आया ना? इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्युनरेशन शुड नॉट डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। तो आपका रेम्युनरेशन डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेवल पे डिपेंड करना चाहिए कि कौन से लेवल पे ये पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट वर्क कर रहा है। द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर सेम दो मैनेजर हैं, भले अलग अलग डिपार्टमेंट में है, दोनों का पेमेंट तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का पोस्ट क्या है, मैनेजर का पोस्ट है। दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं तो क्या होगा, जब दोनों में बात होगी ना, वो बोलेगा यार मेरे को तो पेमेंट कम दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो बोलेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे साथ फेयर बिहेवियर नहीं कर रहा है, इससे अच्छा मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चला जाता हूँ, या फिर वो दिल से काम करेगा नहीं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्रीट ऑल योर सबऑर्डिनेट्स इक्वल। पॉइंट नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, टर्म की बात करें, मतलब किसी व्यक्ति को जब आप रखते हैं ना, तो एक पीरियड होता है स्टार्टिंग का, जब तक आप उसको प्रोबेशन बेसिस पे रखते हो या आप उसको टेम्पररी बेसिस पे रखते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपके पास 10 साल से काम कर रहा है और अभी भी उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको हमेशा डर लगता है कि मेरे बॉस ने मुझको निकाल दिया तो कितना प्रॉब्लमेटिक थिंग है। क्या वो दिल से काम करेगा, क्या वो मेहनत से काम करेगा? नहीं, हमेशा उसको डर सताते रहेगा और वो हमेशा एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी की ताक में रहेगा कि इससे बेटर मिला ना मैं निकल जाऊंगा, ऐसे भी मैं यहाँ पर परमानेंट नहीं हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है कि कोई एम्प्लॉय आपके पास बहुत लंबे समय से काम कर रहा है ना, उसको परमानेंट कर दो, उसका एक टेन्योर होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। मैनेजमेंट ने उसको एश्योर करना चाहिए जॉब सिक्योरिटी के बारे में। किसके बारे में? जॉब सिक्योरिटी के बारे में, कि भाई आप आने वाले 6 महीने तक हम आपको टेम्पररी बेसिस पे रख रहे हैं, बाद में आप कंपनी के पेरोल पे आ जाओगे तो अगले 2 साल तक आपको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और आपने अगर ये 2 ईयर्स प्रॉपर कंप्लीट किया तो कंपनी आपको परमानेंट कर सकती है। तो ये क्लैरिटी देकर के बात करो। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉय। तो इससे क्या होता है, उसको एक अपनेपन की भावना आती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, मेरे बारे में सोचता है, मुझको आगे ये काम करने देगा, अचानक निकाल नहीं देगा। इनसिक्योरिटी इन द जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। तो जब तक वो इनसिक्योर रहेगा, उसको हमेशा क्या रहेगा, जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी, अरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने निकाल दिया। देखो ज्यादातर आईटी इंडस्ट्री के बच्चे रहते हैं ना, जो कैंडिडेट रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं आईटी इंडस्ट्री में, वो हमेशा स्विच करते रहते हैं कहीं ना कहीं बेटर पेमेंट के लिए, या उनको डर लगा रहता है मैं तो यहाँ पर परमानेंट नहीं हूँ। बट आपने नाम सुना होगा TCS कंपनी का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, ये एम्प्लॉय को अपने पास अच्छे से रखने में ना बहुत फेमस है, वो जल्दी अपने वर्कर्स को निकालती ही नहीं है। तो वहां पर एक टाइप का क्या है, जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी विल एडवर्सली अफेक्ट देयर वर्क, वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो। और जॉब सिक्योरिटी अगर आपने प्रोवाइड किया तो लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना, आपके पास काम करेंगे, ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव? आप अपने साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं, उनको भी प्रेरित कीजिए इनिशिएटिव लेने के लिए। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे, है ना। सिर्फ आप ही डिसीजन मत दीजिए, उनसे भी पूछिए कि हमारी ऐसी मीटिंग है, आप लोगों की कुछ राय होगा, कुछ सजेशन होगा तो आप दीजिए। तो जब वो सजेशन देते हैं, वो मानना ना मानना हमारे हाथ में, लेकिन जब आप सामने वाले से सजेशन मांगते हैं ना, उनको भी लगता है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हमसे भी ऑर्गेनाइजेशन पूछता है और काम करता है, यस और नो। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। तो जब हम उनको फ्रीडम देंगे कि आप न्यू आइडियाज लेकर के आइए, तो उनको भी एक इनिशिएटिव लेने का मन करता है व्हाइल वर्किंग ऑन गिवन टास्क, और फिर वो दिल लगा करके काम करते हैं क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट लिया।
दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थ्रू डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज. तो न्यू आइडिया के ऊपर डिस्कशन के थ्रू आप उनके भी जो व्यू पॉइंट है, जो ओपिनियंस है, वो ले सकते हैं. किनकी बात करें? सबॉर्डिनेट्स की बात करें. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो ये मदद करता है एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डेवलप करने के लिए. यस. तो कभी भी आप कोई डिसीजन लीजिए, मेजर डिसीजन लीजिए, तो अपने सबॉर्डिनेट्स की आपको ओपिनियन भी लेना चाहिए. लास्ट पार्ट है पॉइंट नंबर 14, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डे कॉप्स. क्या है एस्पिरिट डे कॉप्स? टीम वर्क. मतलब अकेले काम करने से अच्छा है आप टीम के साथ में काम कीजिए. सबका साथ सबका विकास. हेनरी फॉयल हैज गिवन एम्फसिस ऑन द टीम वर्क. एस्पिरिट डे कॉप्स मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ. इसका मतलब क्या होता है? एकता में शक्ति है. हमने बचपन से पढ़ा हुआ है. रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल एसेट है. क्योंकि अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम कर रहे हैं ना, बाकी सारी चीजें अच्छे से काम करेंगी. इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट. अगर सब लोग मिलकर एकता से काम करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रख के काम करते हैं, द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने डिफिकल्टीज होगी उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. देयरफॉर एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट ए स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजिली. तो एकता की भावना सबके अंदर आए, इसके लिए मैनेजर को काम करते रहना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉपरली अचीव किया जा सके. सो अबव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल are very useful to manage the organization efficiently and effectively. These are also supportive to functions of management. ये function of management में भी क्या करते हैं? Support करते हैं. These principles are very logical and therefore are applicable in modern management era. तो आज की तारीख में भी ये principle applicable होते हैं. ठीक है? तो यहाँ पर हमने आज finish किया 14 principle of Henry Fayol. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले episode में with some sort of new theories. तब तक के लिए bye bye, शुक्रिया, शब्बक है, सायोनारा, bye bye everyone.